नमस्कार। आज कक्षा 10 के विद्यार्थी को मैं नेताजी का चश्मा द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। नेताजी का चश्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, कि चश्मा जो है नेताजी की ओर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नेताजी का चश्मा बोलकर देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनके रचनाकार स्वयं प्रकाश इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज भी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जीवित है। आज भी लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने देश को घृणा करते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि देश के प्रति जो देश प्रेम की भावना जो है वो बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे लोगों के हृदय में भी विद्यमान है। तो इसी की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं पाठ पढ़ाऊंगा और उसी दौरान मैं उसकी व्याख्या भी करता रहूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है हालदार साहब का मतलब होता है हवलदार, मतलब जो पुलिस में काम करते हैं। तो यहाँ बताया हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1 ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करती थी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छावनी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, अर्थात वो नेताजी के चश्मे के बारे में बताया जा रहा है।